पुलिस पर बरसाई गोलियां, जवाबी कार्रवाई में एक घायल, तीन गिरफ्तार। नई दिल्ली, गाजियाबाद। दिल्ली NCR में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन यहां दोनों के बीच भिड़ंत की खबर आती रहती है। पुलिस ने भी ठान लिया है कि वो बदमाशों में खौफ पैदा करेगी। ताजा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके के एलिवेटेड रोड पर। यहां दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। SP सिटी श्लोक कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एलिवेटेड रोड पर पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने जब इनको रोकना चाहा तो ये पास में जंगल की तरफ भाग निकले। पुलिस ने इनका पीछा किया तो एक बदमाश ने गोलियां चलाई, जिससे गाजियाबाद पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों बदमाश अफसर मुजाहिद और हजमत, ऐसे बदमाशों के नाम है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि घायल बदमाश का नाम अफसर है और इस पर 10,000 रुपए का इनाम है। श्लोक कुमार का कहना है कि इन्होंने किसी ज्वेलरी शॉप को लूटने की योजना बनाई थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज इन्वेस्टर से एमएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।